मैं ये समझता हूँ कि यूएस ने एक लीड ली है और 1.5 करोड़ से ज़ायद की मालियत का सामान जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किया और जाकर उन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसकी फैकल्टी ने और इसके स्टूडेंट्स ने वहाँ जाकर और उनके वाइस चांसलर ने इसको तकसीम किया, जनूबी पंजाब में जाके तकसीम किया, और आज फेज़ टू में KPK में जा रहे हैं और रुझान में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी स्प्लेंडेड एफर्ट है, और इसमें इसकी ख़ास बात यह है कि बहुत से जानवर जो हैं इस वक्त भूखे हैं, उनके लिए खुराक का भी इसमें बंदोबस्त किया गया, उनके इलाज मुआवजे का भी बंदोबस्त किया गया, और इंसानों के लिए भी बंदोबस्त किया गया, और तकरीबन हर इंडिविजुअल के लिए 20,000 रुपये का एक पैकेज इसमें किया। तो ये एक बहुत ही ग्रेट एफर्ट है, ये एक पे बैक है टू द सोसाइटी, और ये बता रही है एक पाकिस्तानियत को कि किस तरह हम पाकिस्तानी जो हैं वो मुसीबत और दुख की घड़ी में साथ हैं। और इसके साथ इंशाल्लाह यूएस जो है इसमें एक इन्वायरमेंटल साइंसेस का डिपार्टमेंट भी है और बहुत अच्छे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो सैलाबों की रोकथाम, वाटर कंजर्वेशन, उसके लिए भी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ अपना काम करेंगी, गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी उनकी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ताकि ये ग्लोब जो अल्लाह ताला ने हमें एक नायब होने की हैसियत से, एक खलीफा होने की हैसियत से हमारे हवाले किया है, ताकि उसकी बेहतर अंदाज में हिफाजत की जा सके। ये इसलिए नहीं किया कि यहाँ क्लाइमेटीज हों, यहाँ सैलाब आएँ, यहाँ जलजले आएँ, तो हमें उसका जैसे ग्लेशियर्स ग्राफ्टिंग है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, CO2 एमिशंस की रिडक्शन की ज़रूरत है, अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आगे फ्यूचर में सर्दियाँ आ रही हैं, स्मॉग के इशूज़ ना हों। तो ये इसलिए यूनिवर्सिटीज़ का ये रोल बनता है कि वो पॉलिसीज़ दें, रिसर्च दें, साइंटिफिक सॉल्यूशंस दें। तो इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटी और जामियात हैं पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में, वो अपना रोल इंशाल्लाह प्ले करेंगे।